टू माई चैनल प्रियांशु गौतम ऑफिशियल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, और ये आज का जो ब्लॉग है मेरी डॉटर से रिलेटेड होगा और कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊँगी इसमें एंड में। सो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए इस वाले ब्लॉग को। कुछ दिल की बातें और जो आप लोग कॉमेंट कर गए वो वाली बातें आप लोगों से शेयर करूँगी। और यहाँ पर अभी मैं इसका टिफ़िन पैक कर रही हूँ, कट कर रही हूँ ये सब इसके लिए ब्रेकफास्ट, और यहाँ मैं लंच पैक करके दे दूँगी उसको। तो यहाँ हो गया ये लंच पैक उसका, यही सब खाती है वो, तो यहाँ हो गया ये लंच पैक उसका मॉर्निंग से। और मैं सुबह 6:30 बजे 6:15 बजे सॉरी उठी थी, उसके बाद ये हो गया उसकी यूनिफॉर्म रेडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चलो एग्ज़ाम देने चलते हैं, रेडी हो जाते हैं, चलो नहला के लाती हूँ आपको। चलो क्या हो रहा है इसका ब्रश, बहुत मुश्किल से तो उठती है, उसके बाद में बड़ी मुश्किल से ही ब्रश करती है। तो यहाँ उसको नहला दिया, उसके बाद में थोड़ा बहुत उसको प्रिपेयर करा रही हूँ एग्ज़ाम के लिए। मन्नत का एग्ज़ाम, आज से मन्नत के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, और आप रेडी हो गई हो ना? आप एक्साइटेड हो स्कूल जाने के लिए? आपको अच्छा लगता है ना स्कूल जाना? और आपने प्रिपरेशन किया ना इंग्लिश का? आपको आता है ना सारी चीज़? मैंने जो सिखाया था ABCD मैचिंग है ना, तो मैंने कल किया था, मैंने आपको सुनाया था, मुझे सुनाया भी था सारा कुछ है ना। वो आई होती है ना, आई फॉर आई, वेरी गुड, ऐसे ही बोल देना। तो आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, बोलो मुझे, बोलो थैंक यू मम्मा, किसी का। तो अभी जा रही हैं, अभी रेडी हो गई हैं, अभी मैं इसको नीचे छोड़ने जा रही हूँ, उसके दादू के साथ ये जाने वाली हैं स्कूल, और अब हम चलते हैं नीचे। ओके, हम रेडी हैं, चलो मैं आपको नीचे छोड़ के आती हूँ, ठीक है? चलो बाय बाय बाय, आके मिलती हूँ, बोलो मैं स्कूल से आके मिलती हूँ। मन्नत को भेज दिया मैंने स्कूल, और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी सफाई में, और काम वाली आंटी आए उससे पहले मैं अपनी सफाई कर लेती हूँ थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से, क्योंकि वो तो नीचे से करती हैं। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही थी इसकी, थोड़ी बहुत डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि ऑन रोड मेरा घर है यहाँ पे, तो बहुत मिट्टी आती है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, बार बार गंदा होता है। और यहाँ मैं क्लीन कर रही हूँ उसको, और वैसे भी दिवाली आ रही है उसकी सफाई तो करनी है, सो इसलिए मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने इसके ऊपर न्यूज़पेपर बिछा दिया है, तो थोड़ा अच्छा लगता है बिछाने के बाद, गंदा भी कम होता नहीं न्यूज़पेपर डालने के बाद में। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया है नहा के मैं आ गई थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा वूजा किया अपना। पीयू आ गई है स्कूल से, और उसका एग्ज़ाम हो गया, अच्छा बता रही है वो, और मैं आपको अभी मिलवा भी दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं उसका टिफ़िन चेक करती हूँ कि वो खा के आई है कि नहीं खा के आई है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन उसके टिफ़िन की रहती है, क्योंकि मैं जब भी मतलब डेली का उसका जो टिफ़िन रहता है उसके लिए मैं बहुत सोचती हूँ कि उसके टिफ़िन में रखूँ क्या, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, जो चीज़ मैं रखना चाहती हूँ वो खाती नहीं है, और जो रखती हूँ
वो मतलब जो उसको पसंद है, जैसे कि चिप्स हुआ, ऐसी चीज़ें वो पसंद है, लेकिन हेल्दी चीज़ ही रखनी होती है उसमें लंच बॉक्स में। तो मैंने उसके लिए आपको दिखाया, मैंने मॉर्निंग में मैंने उसके लिए रखा था चिप्स, बनाना एंड बिस्किट। तो देखते हैं क्या क्या खा के आई है वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके नाटक हैं खाने में। और जैसे मैं पराठा रखती हूँ तो पराठा बिल्कुल नहीं खा के आती है, बहुत कम खा के आती है, लेकिन फिर भी मैं रखती हूँ, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ खाएगी। सो मैं ये उसका लंच बॉक्स है, जो कि इसके ऊपर बहुत सुंदर सा स्टिकर था, उसने स्कूल में खेलते खेलते शायद इसको निकाल दिया है और एकदम गंदा सा कर दिया है। मैं इसके लिए एक और लंच बॉक्स लेके आऊँगी अच्छा सा। सो ये देखिए, बनाना तो हो गए एकदम से काले, और उसने चिप्स खा लिया सारा और बिस्किट भी खा लिया, लेकिन उसने एक बनाना नहीं, क्योंकि मैंने इसको चार स्लाइस इसको कट किया था, लेकिन उसने एक स्लाइस भी बनाना नहीं खाया है जब तक, तो फ्रेश था, लेकिन अभी स्कूल में टिफिन में पैक जो रहता है वो थोड़ा सा काला हो जाता है, तो उसने एक भी बनाना नहीं खाया। तो ये कंडीशन है मेरी बेटी की, जो कि वो टिफ़िन खाने में बहुत कंजूसी करती है। और तो ये आ गई हैं एग्ज़ाम देकर अपना, है ना, तो मन्नत आ गई है अपना एग्ज़ाम देके, और अभी कपड़े चेंज कर लिए हैं। जब आई आई थी तो मैं बात कर रही थी फ़ोन पे, सो मैं सूट नहीं कर पाई उसको, कैप्चर नहीं कर पाई थी, तो अभी से कपड़े चेंज कर दिए हैं। ओह बाप रे, आपके स्कूल का नेम तो है ना मन्नत, पीहू। ओके, आपके घर का नेम तो पीहू है। तो पीहू आ गई है, और आप ये बताइए सबको कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। हाँ। बताओ एग्ज़ाम कैसा हुआ आपका। हाँ, कैसा अच्छा। हुआ अच्छा हुआ। मैम को आपने क्या बताया था, तुमको तो सब आता है। मैम ने बोला था ऐसा। हाँ। तुमको सब आता है, और वेरी गुड बोला। ए बी सी डी सुनाया था आपने। हाँ। और आपने ए फॉर एप्पल सुनाया, ए फॉर एप्पल ऐसा सुनाया था, और वेरी गुड बोला। और कल का किसका एग्ज़ाम है आपका, राइम्स राइम्स एंड स्टोरी का है। हाँ, कल आपको आती है ना। हाँ, राइम्स रेन रेनबो अवे एंड एक और कौन सी है, बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ पेपर है ये वाली, और हिंदी वाली भी टू राइट टू पैर। और मैं अपने काम से हो गई हूँ फ्री, तो सोचा कुछ कर लेती हूँ, मतलब कि उसके जो मेरी बेटी है उसके कपड़े काफ़ी फैले हुए हैं, मतलब कि इसमें ड्रॉर में, और उसको मैंने कल सेट किया था, इसके कपड़े सारे बिखरे हुए पड़े थे, क्योंकि एक कपड़ा निकालो तो सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं कोई भी, फिर उसे ढूंढना पड़ता है कि, और इसकी जो यूनिफॉर्म थी मैंने इसमें ढूंढी, फिर दूसरे कपड़ में ढूंढी, उसमें भी नहीं मिली मुझे इसकी शर्ट्स, हो सारे कपड़े उधर से उधर फैल गए। अभी ये जो उसके कपड़े हैं न्यू न्यू कपड़े मैं इसमें रख देती हूँ, इसमें मेरी वाले कपड़े रखे हुए हैं, और न्यू कपड़े मैं इसके इसमें रखती हूँ, तो सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो सोचा इसको सेट कर देती हूँ, क्योंकि इसे टाइम नहीं मिलता है, और आज मैं कोई अपनी वीडियो शूट भी नहीं कर रही थी, तो सोचा फ्री हूँ मैं। और मुझे कुछ कमेंट्स आए थे मुझे कि आप डेली व्लॉगिंग कीजिए, साड़ी पहन के व्लॉगिंग कीजिए, डेली व्लॉग लाइए साड़ी का, तो साड़ी का एक्चुअली मैं डेली में साड़ी में नहीं पहनती हूँ, तो डेली पॉसिबल नहीं हो पाता है डेली पहन के साड़ी को व्लॉग बनाना, क्योंकि ऑलरेडी साड़ी में बहुत बंदा बंदा सा लगता है, और काम तो फिर बिल्कुल भी नहीं हो पाता साड़ी में, बहुत मुश्किल होता है। डेली में मैं साड़ी बिल्कुल भी पहनती नहीं हूँ घर में, बहुत मुझे मतलब मन करता है, वैसे मैं मूडी हूँ, मेरे को मन करता है तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ, लेकिन वैसे मेरे को ये जो कपड़े मेरे को इनमें कंफर्टेबल फील होता है, तो डेली तो ब्लॉगिंग नहीं हो सकती है साड़ी वाड़ी पहन के। हाँ, लेकिन मैं वीडियोस जो बनाती हूँ साड़ी वाली ट्रैपिंग जो वीडियोस होती हैं उनको मैं बना रही थी, लेकिन अभी वो भी मेरी काफ़ी टाइम से बंद है, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिला था, और मेरे एग्ज़ाम वगैरह थे, इस वजह से मैं बिजी थी और मायके में भी थी, चलिए मैं वीडियो को टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिला मुझे, और मैं इधर आती हूँ तो ही अपना काम कर पाती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी इधर ही होती हैं, कपड़े भी मेरे इधर ही होते हैं, और ज्वेलरीज और सारा सेटअप भी मेरा यही है, स्टैंड भी मेरा यही है, तो कोई भी चीज़ मेरी जा नहीं पाती है वहाँ पर, इसलिए मैं अपने मायके में मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कैसे बनाऊँ, और तो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम स्टैंड की होती है, स्टैंड नहीं होगा तो विदाउट स्टैंड बन ही नहीं सकती कोई भी चीज़, इसलिए मैं डाल नहीं पा रही थी, और दूसरी चीज़ मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो मैंने सोचा वो तो बाद में भी डल जाएगी वीडियो। और रही बात ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग सॉरी गाइस डेली नहीं हो पाती है, लेकिन आप लोग बोलोगे कि शॉर्ट्स वीडियो डालो, शॉर्ट्स वीडियो आजकल मैं डालने लगी हूँ, और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि मुझे कमेंट करके आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी शॉर्ट्स वीडियोस, अगर आपको पसंद आएगी तो मैं डेली आप लोगों के लिए एक शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर मैं शेयर कर दूँगी, डेली रूटीन की जो वीडियोज़ होती है, वैसे मैं नॉर्मली रूटीन रहता है मेरा डेली का, कुछ खास मैं नहीं करती हूँ, कुछ बाहर भी कुछ खास जाती नहीं हूँ मैं, सो डेली नॉर्मल रहता है, अगर आपको पसंद आएंगे मेरे शॉर्ट्स तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर कर दूँगी वो, और बस मुझे देखते रहिए, इंजॉय कीजिए, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है ये भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ये इसका बॉक्स रखा हुआ है खाली, जो उसके कपड़े आए थे मैं ऐसे रख के रखती हूँ उसके कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ जाती है ऐसे कपड़े रखने के लिए बॉक्सेस में, और ये इसकी बहुत छोटी की फ्रॉक है, बस पैदा हुई थी, बॉर्न हुई थी,
तब ये आई थी इसके बॉन्ड पे। तो ये बहुत छोटी सी है, बहुत प्रिटी लगती है, ये आज भी इसको पहनती है, बहुत छोटी सी है। तो ये बहुत प्यारी है, प्यारी सी फ्रॉक है। एंड मुझे तो छोटे छोटे कपड़े काफ़ी पसंद है इस टाइप के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम इसको बॉक्स को रख देते हैं, और वो भी क्या करती हैं कि सारे कपड़े निकालेगी, एक कपड़ा मम्मा ये पहनना है फ्रॉक, तो एक कपड़ा निकालने के चक्कर में सारे कपड़े फैला देती है। तो मैं इसको सेट कर देती हूँ। ये इसके लहंगे का दुपट्टा है, मैंने दिवाली पे मंगाया था जो इसके लिए लहंगा, उसका ये दुपट्टा है। लहंगा ये रहा इसका, ये है इसका लहंगा, काफ़ी सुंदर सा है, काफ़ी रीजनेबल भी था, लेकिन एक दो बार पहनने के लिए क्या खास बुरा थोड़ी ना है, बहुत सुंदर भी लगता है मतलब पहनने के। मैंने भी ऐसा मंगाया था, मैचिंग हम दोनों दिवाली पे मैचिंग हुए थे। तो ये इसका लहंगा है, ये इसके कपड़े हैं जो कि डेली के नहीं है, कहीं जाने आने के लिए पर्पज़ से इसके कपड़े हैं। ये इसके दूसरे हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे। और ये इसकी जो लहंगा है, ये उसकी चोली है जो कि मैंने इसको बनवाया था ब्लाउज, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है बैक में, सुंदर है ना। मैंने भी अपने ब्लाउज में इस तरीके का एक ब्लाउज में डिज़ाइन डलवाया है गाइस। अगर आप भी मेरे ब्लाउज कलेक्शन देखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट डाउन करके बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करूँगी वो ब्लाउज कलेक्शन अपना। मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे वैरायटी के और काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन वाले ब्लाउजेस हैं। सो अगर आप चाहते हो मैं शेयर करूँ तो हाँ मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, आप लोगों को हेल्प हो जाएगी, आप भी बनवा सकती हो इस तरीके के ब्लाउजेस। एक काम अच्छा हो जाता है, बात करते करते वीडियोज़ बनाते बनाते ना काम हो जाता है, अच्छे से काम का काम हो जाता है, वीडियो की वीडियो बन जाती है। और ये कैसे करती हुई है, ये मैंने मीशो से मंगाई थी, ये फ्रॉक काफ़ी अच्छी है, और ये आप देख सकते हैं मैंने खाली थी, काफ़ी अच्छी है, मन्नत के लिए मंगाई थी मीशो से, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है, काफ़ी रीजनेबल भी है, तो बहुत सुंदर सी, आप भी ले सकते हो इसको मीशो पे, बहुत सुंदर सी मिल रही है। सो या गाइस, मैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, इवनिंग तक नहीं ले जाऊँगी, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। मैंने मॉर्निंग से इसको स्टार्ट किया था, सुबह आज वो मेरी बेटी स्कूल गई थी, आज उसका एग्ज़ाम था, उसके बाद ये सब रूटीन शेयर किया आप लोग साथ में। इससे ज़्यादा मैं शेयर करूँगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा लंबी मैं वीडियो शूट करूँ और फिर इसको एडिट करूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको एडिटिंग वगैरह करने में। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। आपको मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। वैसे आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो मुझे लाइक और कमेंट करने में, तो ऐसा ना कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए और लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग वीडियोस बनाने के लिए, अपने घर के सारे काम को फिनिश करने के बाद में हम लोग ये वीडियोस वगैरह बनाते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि हमारे पास काम धंधा कुछ नहीं है, वहीं नल्ले बैठे रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना आप लोग काम करते हो उतना हम लोग भी काम करते हैं, घर का सारा काम करने के बाद में अपना वीडियोस शूट करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, रहम खाइए हम लोगों पर थोड़ा सा, आप लोग अगर ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, आप लोगों के सपोर्ट से ही। इसको मैं रख देती हूँ इधर, क्योंकि ये इनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, मैं इनको संभाल के बहुत रखती हूँ, ऐसे बैग पॉलीथीन इधर मेरे भरे पड़े हैं, मैं बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ, मतलब मुझे चीज़ को फेंकने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, मुझे संभालने की आदत है, मतलब कोई भी चीज़ होती है मुझे लगता है कि वो आज नहीं तो कल काम आ ही जाएगी, किसी न किसी तरीके से काम आ जाएगी, तो मैं बहुत कम चीज़ को फेंकना पसंद करती हूँ, उनको संभाल के रखती हूँ, क्योंकि ये थैले से जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं कपड़े वपड़े रखने के लिए, तो मैं ऐसे करके संभाल के रख देती हूँ। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, इस ब्लॉग को मैं ही एंड करती हूँ। आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा मुझे कॉमेंट डाउन करके बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पास में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस ब्लॉग, इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, मिलते हैं किसी अच्छे नेक्स्ट वीडियो के साथ में या फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे सपोर्ट करते रहिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।